इसका चैप्टर करना हमने आज सिक्स भीम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सत्यवती थी वह अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को यानी कि अंबिका और अंबालिका को लेकर जंगल में चली गई थी और तीनों ही वृद्धाएं वहां पर तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गई थी। तो आगे देखिए, भीम पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ऐसा करता था। क्या था, पांडव कितने थे? 5। पांडव के पुत्र कितने थे? 5। तो पांचों पांडव कहलाते थे और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100, जो क्या कहलाते थे? कौरव। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ साथ रहने लगे थे, खेलने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे, सभी मिलजुल कर रहते थे। शरीर के बल में पांडु का पुत्र जो भीम था वह सबसे ताकतवर था, सबसे बढ़कर था, सभी से ज्यादा ताकत भीम के अंदर थी। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। जब खेलते तो जो भीम है वह दुर्योधन को और उसके भाइयों को बहुत तंग करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था, जो भीम है वह मस्तियों में तंग करता था, मन में द्वेष भाव उसके नहीं था और बचपन में जोश के कारण इस प्रकार से करता था, ताकत के कारण इस प्रकार से करता था कि उनको परेशान करता था। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में क्या हुआ? भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। इधर सारे बच्चे कौरव और पांडव उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या भी सीखने लगे और साथ साथ दूसरी विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। जब विद्या सीखते थे ये कौरव और पांडव, इनमें जो पांडव थे वो कौरवों से आगे रहते थे, अधिक होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, कुछ भी कह सकते हो आप। इससे कौरव और खींचने लगे, इससे कौरवों के अंदर और जलन पैदा हो गई। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। दुर्योधन जो था पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था, यानी कौरवों के हमेशा इंसल्ट करने की कोशिश करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। क्या हुआ, एक बार सभी कौरवों ने आपस में सलाह कर ली, क्योंकि वे भीम से अधिक चिढ़ते थे, तो उन्होंने सलाह की कि भीम को किसी प्रकार से गंगा में डुबोकर मार डालेंगे और उसके बाद अर्जुन और जो युधिष्ठिर है उनको क्या कर लेंगे, कैद कर लेंगे। और क्या सोचा, फिर पूरे के पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया।
और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया, नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। एक दिन क्या किया, दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया था कि सारे पानी में खेलेंगे, कूदेंगे, नहाएंगे, तैरेंगे, ये करेंगे, और उसके लिए पांडवों को भी बुलाने का न्योता दे दिया। यहां से भी उसने अपनी चाल चलानी शुरू कर दी। खेलने तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, छल से भीम के भोजन में जहर मिला दिया था। सब लोग हार थक गए थे खेल कर, कूद कर, नहा कर, तो इसलिए सब थकने के बाद जाकर गहरी नींद में सो गए। और भीम को तो खाने में जहर दिया गया था, उसको तो वहीं पर नशा हो गया, जहर का नशा हो गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया, नशे में वही गंगा के किनारे पर रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। क्या किया दुर्योधन ने, जो भीम गहरे नशे में गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया था, वहीं पर उसको बेलों आदि, जो पेड़ की बेलें होती ना, लताएं होती हैं, उनसे भीम के हाथ पैर बांध दिए और उसे गंगा में बहा दिया। उसको लताओं से बांधकर खींच करके पानी में बहा दिया और लताओं से बांधा हुआ जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहुत दूर तक बहता हुआ चला गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न था। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। इधर ये जो दुर्योधन था, भीम को पानी में बहाकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि भीम का तो अब हमने काम तमाम कर दिया, उसको पानी में बहा दिया और वह अब मर गया होगा। बड़ी खुशी मना रहा था अपने मन में। और उधर युधिष्ठिर आदि भीम के भाई पांडव सो कर जगे तो उन्होंने देखा कि वहां डेरे में भीम नहीं है। इस कारण चारों भाइयों ने मिलकर उनको जंगल में भी ढूंढा, गंगा के उस किनारे पर भी ढूंढने गए जहां पर वे जल क्रीड़ा कर रहे थे। सारी जगहों को छान डाला, अच्छी तरह से ढूंढ लिया, परंतु भीम का कहीं भी पता नहीं चला। अंत में सभी निराश होकर दुखी हृदय से महल को लौट आई। इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता मस्ती से चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, खुश हो गए। खुशी के कारण उन्होंने भीम को गले से लगा लिया। परंतु यह सब देख करके कुंती को बड़ी चिंता होने लगी। उसने विदुर को बुलाया और उनसे अकेले में बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में आकर
वह भीम को मारना चाहता है और मुझे इस बात की बहुत अधिक चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अब क्या हुआ, कुंती भी इस बात को समझ गई और राजनीति में कुशल जो विदुर था वह भी इस बात को समझ गया कि हाँ, जो दुर्योधन है वह पांडवों से बहुत अधिक ईर्ष्या रखता है और वह चाल चल रहा है कि किसी प्रकार से वह इनको मार कर या कुछ भी करके इनको दूर करके राजगद्दी को हस्तिनापुर के राज्य को प्राप्त कर ले। तो विदुर ने कुंती को समझाया और कहा कि तुम सही कह रही हो, परंतु कुशलता इसी बात में है कि आप इस बात को अपने तक सीमित रखो, किसी के सामने इस बात को मत प्रकट करो, किसी को मत बताओ। यदि यह बात प्रकट रूप में हो गई, प्रकट हो गई यह बात, तो दुर्योधन यदि यह प्रकट रूप में हो गई कि दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, प्रकट रूप में मतलब कि किसी के सामने यह बात मत करना कि दुर्योधन ऐसा चाहता है। यदि ऐसा पता चल गया औरों को तो इससे दुर्योधन पांडवों के साथ और अधिक द्वेष करने लगे, उसका द्वेष और बढ़ जाएगा, वह और अधिक ईर्ष्या करने लग जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचते रहे। अब भीम उस घटना से बहुत अधिक उत्तेजित हो गया था। कौन सी घटना से? जब उसको लताओं के साथ बांधकर पानी के अंदर बहा दिया था, तो उस घटना से जो भीम है वह और अधिक उत्तेजित हो गया था। उसको युधिष्ठिर ने बहुत समझाया और कहा, भाई अभी समय नहीं आया है, अभी उचित समय नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम भाइयों को क्या करना है, यही करना है कि किसी प्रकार से हम एक दूसरे की रक्षा करें और इनके छल प्रपंचों से बचते रहें। युधिष्ठिर भी दुर्योधन की चाल को समझ चुका था और वह बड़ा ही बुद्धिमान था, तो उसने भीम को भी समझाया कि भाई अपने आप को संभालना है, आपस में हम भाई एक दूसरे की रक्षा करेंगे और ऐसे इनके छल प्रपंचों से बचकर रहेंगे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। भीम को वापस आया हुआ देखकर दुर्योधन को बड़ी हैरानी हुई। दुर्योधन बड़ा हैरान हुआ, वह तो यह सोच रहा था कि उसने उसको बांध करके, हाथ पैरों को बांध करके पानी में गंगा की धारा में बहा दिया है और वह मर गया होगा। तो दुर्योधन को जब भीम अपने सामने दिखाई दिया तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि यह वापस कैसे आ गया। इस कारण उसका हृदय और जलने लगा, क्योंकि वह उसका हृदय तो एक तरफ से शांत हो गया था भीम के लिए कि भीम का तो काम तमाम हो गया है और अब अर्जुन और युधिष्ठिर को कैद कर लूंगा, लेकिन जो उसने सोचा था वह नहीं हो पाया, भीम वापस आ गया। तो दुर्योधन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसका हृदय उसके लिए और अधिक जलने लगा। तो यह चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, भीम के बारे में इस पाठ में आया है सारा, भीम के साथ ये जो घटना हुई है उसके बारे में सारा इस पाठ में आया है। तो आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और यह चैप्टर रीड करना है, कल नेक्स्ट चैप्टर करना है, तो कल नेक्स्ट चैप्टर को आप रीड करके आएंगे।